किसी ने क्या खूब कहा है कि शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म। एक बार गांधी जी अपने घर में बैठे थे, तभी उन्होंने एक शख्स को बुलाया और उससे कहा कि जाओ मुझे कुछ नीम की पत्तियां लाकर दो। वो शख्स भागा भागा गया और वो खुश था कि आज गांधी जी ने खुद उससे किसी काम के लिए बोला है, और वो मन ही मन खुश था कि गांधी जी जैसी शख्सियत ने उसे किसी काम के लिए बोला है। और वो जाकर नीम की एक टहनी तोड़ लाए, और नीम की टहनी तोड़कर लाते हुए वो सोचता रहा कि गांधी जी को जितनी जरूरत होगी वो उतनी पत्तियां ले लेंगे और बाकी मैं फेंक दूंगा, आज मैं गांधी जी की खुश करूंगा। गांधी जी ने देखा कि वो बंदा एक पूरी टहनी लेकर आया है, और उस शख्स ने गांधी जी से कहा कि लीजिए आपको जितनी जरूरत है उतनी पत्तियां तोड़ लीजिए, जितनी आपको जरूरत है अगर कम पड़े तो मैं और ला दूं। गांधी जी ने उस शख्स से कहा कि मैं अब इस पत्ती को नहीं लूंगा, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। ये बात सुनकर वो काफी निराश हुआ और वो गांधी जी से पूछने लगा कि आपको अब इसकी जरूरत क्यों नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे 2-3 पत्तियों की जरूरत थी और तुम पूरी टहनी तोड़ लाए। उस शख्स ने कहा कि गांधी जी मुझे लगा कि आपको जितनी जरूरत होगी आप उतनी ले लेंगे और बाकी मैं फेंक दूंगा और इसमें कोई हर्ज नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि जिस चीज की आपको वैल्यू नहीं है, कद्र नहीं है, अब इस पत्तों को जो दूसरों के भी काम आ सकते थे अब फेंक दोगे, ये वेस्टेज ऑफ प्रकृति का जो आप नियम तोड़ रहे हो, प्रकृति के जो आप निरादर कर रहे हो, ये एक दिन आपका निरादर करेगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादातर अपनी प्रकृति का यही निरादर करते आए हैं और कर रहे हैं। प्रकृति ने, नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हैं वो ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही हम उसका गलत इस्तेमाल हमें करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमें प्रकृति ने फ्री में दी हैं, उसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम उसका हमेशा निरादर करते हैं, गलत यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि प्रकृति का गलत यूज़, उसके अगेंस्ट जाना, अपने आप में प्रलय को न्योता देना है।